नमस्कार, मेरा नाम शशांक है और आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज प्लस। देश में हर जगह मोदी मोदी चल रहा है और लोकसभा सदन में भी कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। कल लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मोदी ने अपनी स्पीच में कहा कि ये विपक्ष कुछ इस तरह की बातें करता है, कुछ इस तरह के काम कर रहा है कि लगता है इन्होंने मन बना लिया है कि अब अगले 100 सालों तक इन्हें सत्ता में नहीं आना है। और जब इन्होंने ही मन बना लिया है तो हमने भी तैयारी कर ली है। सुनिए ये मजेदार स्पीच लोकसभा से। और अध्यक्ष जी, आप देखिए कि ये डिस्टर्ब तब करते हैं कि उनको अंदाज आता है चोट बड़ी गहरी होने वाली है। उनको मालूम है, उनको मालूम है कि मुसीबत में फंसे हैं आज। और कुछ लोग बोल करके भाग जाते हैं और जेल ना ऐसे बेचारों को पड़ता है। माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी मैं ये विशेष प्यार से कह रहा हूं, नाराज मत हो जाना। मुझे कभी कभी माननीय अध्यक्ष जी ये विचार आता है, उनके बयानों से, उनके कार्यक्रमों से, उनके कर्तृत्व से, जिस प्रकार से आप बोलते हैं, जिस प्रकार से मुद्दों से जुड़ते हैं, ऐसा लगता है कि आपने मन बना लिया है कि 100 साल तक सत्ता में नहीं आना है। कोई ऐसा नहीं करता जी। थोड़ी सी भी आशा होती, थोड़ा सा भी लगता, हाँ यार देश की जनता फिर से फुलहार करेगी, तो ऐसा नहीं करते। और इसलिए खैर, अब आपने ही तय कर लिया 100 साल के लिए, तो फिर मैंने भी तैयारी कर लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपनी दुबई यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में अभिनेता रणवीर सिंह के साथ दी ग्लोबल रिच ऑफ इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर बातचीत की और रणबीर के साथ स्टेज पर झूमते नजर आए। ठाकुर ने कहा कि दुबई में रहने वाले भारतीय ही भारत के असली ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मंडप में 17 लाख गेस्ट के साथ एक बड़ी भीड़ खींचने वाला रहा है। ये कहते हुए कि देश भारत की आज़ादी के 75 साल मना रहा है और समारोह न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी हो रहा है। See, the language is not a barrier now. And I feel that Indian films, even if you look at the last 10 decades, over a century-year-old industry, you go to any part of the world, as I mentioned in my initial remarks, you will find people who are driving taxi or in a restaurant, they'll say India, and they'll sing few lines of a song. And in many countries, even today, even like last 4-5 years, if you could go towards some part of this GCC country, they'll say, "Mera naam Joker, dekhiye, kab Raj Kapoor ji the, kab Mera naam Joker ki baat karte hain." Tum kya impact hoga un sab ke upar, kya impression hum logon ne choda hoga? Ye Indian film industry ki ek bahut badi den hai Bharat ke liye. Aur main to kehta hun ki jitna aur kar sakte hain, usme main as a Minister of Information Broadcasting kya kar sakta hun? उसमें मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, इस बात का विश्वास मैं जरूर दिलाऊंगा। पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचे अभिनेता मनोज बाजपेयी बहुत ही सरल रूप से उठे और पीएम मोदी को प्रणाम कर राष्ट्रपति को धन्यवाद करते हुए पद्मश्री सम्मान को ग्रहण किया। देखिए ये वीडियो। श्री मनोज बाजपेयी कला सिनेमा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज प्लस। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस। न्यूज प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।